दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट कब आएगा, ओएमआर सीट कब से आप अपनी चेक कर पाएंगे वेबसाइट से, इसके अलावा आंसर की कब आएगी। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं रजनीश कुमार, इनके द्वारा समय समय पर शिक्षक भर्ती से संबंधित और अन्य जो मुद्दे होते हैं उस पर कुछ अपडेट दी जाती है, वो अपडेट यहाँ पर आपके सामने है। कह रहे हैं कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर, 24 घंटे के भीतर ओएमआर जारी किया जाएगा। आज रात से ओएमआर को लेकर काउंटडाउन शुरू, आयोग में ओएमआर स्कैनिंग का काम पूरा, क्रमवार सभी वर्गों का ओएमआर जारी होगा। सबसे पहले 1-5, फिर 6-8, फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ओएमआर सीट जारी किया जाएगा। मतलब जो आपने ओएमआर फिल किया था उसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर दी जाएगी, आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ आयोग 1 या 2 दिन के अंतर पे आंसर की भी जारी कर देगा। 4 दिनों के अंदर यानी आपकी जो ओएमआर सीट है 15 अगस्त से पहले पहले वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। सभी ओएमआर जारी होने के बाद आंसर की जारी होगी, 12 अगस्त के बाद आंसर की जारी होगी। एक्सपर्ट आंसर की पर कर रहे काम। रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट को लेकर के भी अपडेट है कि 21 अगस्त तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके अलावा हेडमास्टर और हेड टीचर की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट 15 अगस्त तक जारी होने की उम्मीद है। 50% आरक्षण के आधार पर ही ये रिजल्ट जारी होंगे। तो यहाँ पर जो भी अपडेट थी हमने आपको बता दी है, यानी 15 अगस्त तक आपकी ओएमआर सीट और आंसर की आ जाएगी, आप खुद से भी मिला पाएंगे, और फाइनल जो रिजल्ट है वो 21 अगस्त तक या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 25 अगस्त के पहले पहले आयोग कंप्लीट रिजल्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर देगा। इस वीडियो में इतना ही। टीआरई 4 की बात करें तो टीआरई 4 में भी आपको और इंतज़ार करना है, और अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, सक्षमता परीक्षा हुई थी वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो टीआरई 4 की उम्मीद इस साल के अंत तक बन रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे।